बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां गोमती नगर पुलिस टीम एवं डीसीपी पूर्वी सर्विलांस एवं क्राइम टीम की संयुक्त कार्यवाही में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के पास शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी के चार पहिया वाहन बरामद किए गए। बता दें कि पुलिस के हत्थे चढ़े पांच शातिर चोरों का लखनऊ सहित प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर जनपद में बड़ा आपराधिक इतिहास आया सामने। पुलिस अन्य जनपदों सहित अन्य प्रांतों में भी इन चोरों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी। चारपहिया वाहन चोरों का ये गैंग हाईटेक है, जो दुबई से ऑनलाइन गाड़ी की रीप्रोग्रामिंग मशीन, जैमर, इलेक्ट्रॉनिक चाबी सहित अन्य उपकरण खरीदकर मशीन से प्रोग्रामिंग कर घर के बाहर खड़े वाहनों की चाबी बना लेते थे और उनसे अनलॉक कर वाहन चुरा लेते थे। चोरी के चारपहिया वाहनों को गैंग के पकड़े गए सदस्यों द्वारा दिल्ली, नेपाल, बिहार में सस्ते दामों में बेचा जाता था। मजे की बात तो यह है कि पहले घरों के बाहर खड़े वाहनों को रेकी कर ये लोग वाहन का नंबर प्लेट चुराकर उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा देते थे, फिर मशीन से रीप्रोग्रामिंग कर दूसरी चाबी बनाकर वाहनों को चोरी कर नेपाल, दिल्ली, बिहार में वाहन का असली नंबर प्लेट लगाकर सस्ते दामों में बेचते थे। गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक अर्टिगा कार चोरी तथा एक अन्य अर्टिगा कार के नंबर प्लेट चोरी का खुलासा करने में जुटी पुलिस टीम ने सर्विलांस एवं सीसीटीवी फुटेज की मदद से चार वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, तो अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ हुआ। गिरफ्तार किया गया, हाईटेक चोर बताया जा रहे हैं। सर कैसे ये चोरी करते, क्या पूरा मामला? थाना गोमती नगर क्षेत्र के कुछ जगहों पर वाहन चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी, जिसमें लोगों द्वारा बताया जा रहा था कि में या तो गाड़ी चोरी हो जा रही है, कुछ कुछ जगह से नंबर प्लेट्स भी चोरी हो रही थी। तो इस घटना को बड़ा सेंसिटिविटी से लेते हुए एसीपी गोमती नगर के नेतृत्व में चार टीमें गठन किया गया था, जिसमें थाना गोमती नगर की टीम्स थी और पूर्वी जोन की क्राइम टीम भी थी। इस टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए काफ़ी सारे फुटेजेस वगैरह निकाले गए, देखा गया किस तरह के संदिग्ध लोगों का लगातार वहाँ पर मूवमेंट रह रहा है, किस टाइप की गाड़ियाँ उठ रही हैं और यदि नंबर प्लेट भी चोरी हो रही हैं तो वो भी किस तरह की गाड़ियों की चोरी हो रही हैं। तो इसमें जब एक पैटर्न डेवलप हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने गहनता से टीम्स को लगा के काम किया, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक डाटा वगैरह उठाया। उस आधार पे पांच लोगों को हमने चिन्हित किया था, हमने उनसे पूरी जांच करी, इनको डेवलप करके इनको गिरफ्तार करके आज हमारे द्वारा जेल भेजा जा रहा है। इन पांच लोगों के नाम आदित्य सिंह हैं, राहुल यादव है, राजू यादव हैं, अमित कुमार हैं, विप्लव दिवाकर हैं, विपिन केसरवानी हैं। इन लोगों से जब पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये एक हाईटेक किस्म के अंतर जनपदीय चोर हैं और ये अलग अलग उत्तर प्रदेश के जनपदों से वाहन चोरी करने की घटना कारित करते थे और उन वाहनों को या तो नेपाल में बेच देते थे या बिहार में बेच देते थे, जहाँ ये जहाँ से इन्हें आगे बढ़ाया जाते। जब इनसे और पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा बताया गया कि एक MK3.com नाम के वेबसाइट है जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदते हैं, जिसमें कुछ टैबलेट्स होते हैं, कुछ डमी कीज़ होती हैं जिसके अंदर एक ब्लैंक कोड पड़ा रहता है जिसमें आप अपना नया कोड डाल सकते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा एक कोइंसाइडर नाम का एक प्रोग्रामिंग डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसमें एक सॉफ्टवेयर पड़ा होता है। इस सॉफ्टवेयर का काम होता है, इस सॉफ्टवेयर को जब भी आपके वाहन से कनेक्ट कर देते हैं तो आपके वाहन का जो की होती है, लॉकिंग की, जो आपकी चाबी में होती है, उसका कोड पूरा डेवलप होकर उस टैबलेट पर आ जाता है। उस टैबलेट के कोड को ये रीराइट करके अपने पास जो इनके पास ब्लैंक की है उसके कोड से इंटरचेंज कर देते हैं। तो एक तरह से जो चाबी अब आपके पास होती है, जो वाहन मालिक की गाड़ी है चाबी है, वो चाबी बेकार हो जाती है और इनके पास जो ब्लैंक की थी अब वो उस वाहन की चाबी हो जाती है। इनके द्वारा फिर जो वाहन की नंबर प्लेट होती है उसे चेंज कर दिया जाता है। इसके लिए ये लोग कुछ जगह से नंबर प्लेट्स चोरी करते हैं, नहीं तो फेक नंबर प्लेट्स लगाते हैं। ये इसलिए ये करते थे ताकि अगर उस कैमरा से अगर कहीं नंबर प्लेट रिकॉग्निशन वाला भी सॉफ्टवेयर वाला कैमरा है तो उस कैमरे पे भी उस गाड़ी को ट्रेस ना किया जा सके कि ये गाड़ी इस यहाँ से चोरी की हुई है। इनके पास से हमें अभी तक चार गाड़ियाँ बरामद हुई गई हैं और इनकी जब क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करी गई तो इसमें जो अभियुक्त आदित्य है इस पर 13 मुकदमे हैं, 19 मुकदमे हैं, अभियुक्त राजू पे 6 मुकदमे हैं, अभियुक्त अमित पे 6 मुकदमे हैं, अभियुक्त विप्लव पे 6 मुकदमे हैं, विपिन केसरवानी पे भी 6 मुकदमे हैं। इनके पास से जो हमें गाड़ियाँ मिली हैं इसमें हमारी एक अर्टिगा गाड़ी है, एक मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा गाड़ी है, हुंडई की क्रेटा गाड़ी है और एक वेन्यू गाड़ी है। इसके अलावा 3 अलग अलग नंबर प्लेट्स मिली हैं जिसमें एक लखनऊ के नंबर की, एक गोरखपुर के नंबर की। इनसे अभी इन्हें हमारे द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, इनका अभी विवेचना हम प्रचलित रख रहे हैं ताकि जानकारी कर सकें इनके गैंग में कोई और सदस्य हैं जो इस बड़े हाईटेक तरीके से लग्जरी गाड़ियाँ चोरी करके प्रदेश के बाहर भेज रहे हैं।
योजना प्रचलित है, जैसा होगा कार्रवाई में अवगत कराया जाएगा। सर क्वालिफिकेशन क्या है लोगों की, इतने हाईटेक तरीके से काम लोग, ज्यादातर लोग तो 10th पास हैं, कुछ लोग डिप्लोमा करे हुए हैं जिससे इनको सॉफ्टवेयर हैंडल करने की प्रैक्टिस बनी हुई है, और इसमें मेरे द्वारा टीम को 15,000 का इनाम दिया जाएगा।